नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस कुकिंग विद नेहा सिंह चैनल पर। और आज हम आपके साथ चिली चने की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है और एकदम इजी रेसिपी है इसकी। आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए हमने आधा कप छोले को रात में पानी में डालकर फुलाने रख दिया था। ये लगभग सुबह डबल हो चुकी है। अब हम इसे उबाल लेंगे। हमने इसे उबाल लिया है, लगभग 2 सीटी हमने इसमें लगाई हुई हैं। इसे हमें बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट नहीं करना है। और इसे उबालते टाइम हमने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था स्वाद अनुसार। और अब हम इसे एक बाउल में डाल लेंगे। छोले को उबालते समय हमें 2 सीटी लगानी है, बस इससे ज़्यादा ना लगाएं वरना वो गल जाएंगे। और अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर मिला रहे हैं, लगभग 2 बड़ी चम्मच। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके ऊपर से एक अच्छी सी लेयर बन जाए कॉर्नफ्लोर की। अब हम इसे थोड़ा सा टॉस कर लेंगे। लीजिए, पूरे अच्छे से कोट हो चुके हैं चने। अब हम हाई फ्लेम पर एक कढ़ाई रख रहे हैं। इसमें मैंने 4-5 बड़ी चम्मच तेल डाल दिया है। मैं इसमें सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको रिफाइंड तेल यूज़ करना है आप वो भी कर सकते हैं। और तेल गर्म हो चुका है, इस चीज़ को हम चेक करने के लिए इसमें मैंने एक चना डाल दिया है और ये तुरंत ही ऊपर आ चुका है। इससे पता चल गया है कि तेल तेज़ी से गर्म है। अब हम इसमें और भी चने ऐड कर सकते हैं। जब हम कढ़ाई में चने ऐड कर रहे थे तो गैस की फ्लेम हाई थी। जैसे हम चने ऐड कर देंगे तेल में, तुरंत ही गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे कुछ देर के लिए। और उसके बाद फिर हमें हाई फ्लेम कर देनी है। इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए पकाने हैं चने को अच्छे से। बस इनका कलर ऊपर से हल्का हल्का सा चेंज हो जाए, बाकी इन्हें पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये उबले हुए हैं। छोले के ऊपर से जो हमने कॉर्नफ्लोर की कोटिंग की थी बस वो पक जाना चाहिए, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है इसे। सारे चने सिक चुके हैं अच्छे से। अब हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करते हैं। इसके लिए हमने कुछ बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ली है, एक मीडियम साइज़ की। एक मीडियम साइज़ का प्याज हमने काट लिया है बारीक, और टमाटर को भी हमने बारीक काट लिया है, ये भी एक मीडियम साइज़ का टमाटर है। 1/2 बड़ी चम्मच हम इसमें सोया सॉस का इस्तेमाल करेंगे। 1/2 बड़ी चम्मच हमने इसमें टमाटर केचप लिया है। 1/2 बड़ी चम्मच विनेगर लिया है, और 1 बड़ी चम्मच रेड चिली सॉस, और थोड़ी सी मिर्ची काट कर ली है। थोड़ा सा अदरक हमने कद्दूकस कर ले लिया है। ग्रेवी बनाने के लिए हमने सेम कढ़ाई ली हुई है। चने तलने के लिए हमने जो एक्स्ट्रा तेल लिया था उसे निकाल दिया है बाहर। थोड़ा सा तेल मैंने लिया है, लगभग 1/2 बड़ी चम्मच। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें कद्दूकस की हुई अदरक ऐड करेंगे, साथ ही में हरी मिर्ची ऐड करेंगे, और बारीक कटा हुआ प्याज भी हम साथ में ही डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे हमें लगभग 30 से 40 सेकेंड के लिए पका लेना है। जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाए तब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे बारीक कटे हुए। हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं, इसे भी हम थोड़ी देर अच्छे से सॉटे कर लेंगे। कम से कम 1 मिनट के लिए हमें टमाटर को भी अच्छे से भून लेना है। सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब हमने इसमें चाट मसाला ऐड किया है 2-3 चुटकी, और साथ ही में हम शिमला मिर्च ऐड कर रहे हैं इसमें। अब हम शिमला मिर्च को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और लगभग 1 मिनट हमें शिमला मिर्च पकानी है। और अब हम इसमें 1 बड़ी चम्मच कॉर्नफ्लोर, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें सारे सॉस मिलाएंगे, जैसे कि सोया सॉस, विनेगर, टमाटर केचप, और सबसे लास्ट में हम इसमें रेड चिली सॉस डालेंगे। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सब चीज़ों को हम कॉर्नफ्लोर के साथ मिक्स कर लेंगे तो हमें कढ़ाई में डालने में आसानी होगी, इससे गुठली नहीं बनेगी। कॉर्नफ्लोर को हमेशा पानी में मिक्स करके डालना चाहिए। और अब हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच नमक ऐड कर रहे हैं, या नमक आप स्वाद अनुसार डालें। इसे भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब हम इसमें सॉस और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर डाल रहे हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और कम से कम 1.5 से 2 मिनट के लिए हमें इसे पकाना है हाई फ्लेम पर, और लगातार हमें इसे चलाते रहना है। इस बात का आप ध्यान रखें। देखिए, इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है, और अब हम इसमें चने ऐड करेंगे जो हमने फ्राई कर कर रखे हुए थे। ये जो सारे चने ऐड हो चुके हैं, अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही चने मिक्स हो जाएंगे तब हम इसमें पनीर के कुछ टुकड़े डाल रहे हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल हैं, अगर आपको ना डालने हो तो आप इसे स्किप कर दें। लीजिए, गर्मा गर्म चिली चने तैयार हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे।
इसके ऊपर से मैंने थोड़ी सी पनीर की गार्निशिंग की हुई है। आपको कैसी लगी हमारी ये रेसिपी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।